जो पीओ जेके डीपीस फ्रंट है उन लोगों ने आज प्रोटेस्ट किया है क्योंकि उनकी बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड रही हैं, अभी भी हैं और कब से लड़ाई कर रहे हैं। ये शाम सेक्टर के लोग हैं और ये अपना हक मांग रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने सवाए वो भी एक मोदी जी आए हैं जिन्होंने 5.5 लाख रुपया दिया, तो उसमें इतनी डिमांड हमारी क्या कितनी बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो मैं मेन यही कहूँगा जो फाइलें अभी लटकी हुई हैं वो पास नहीं हो रही हैं, हम चाहते हैं गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी उनको पास करे। दूसरा जो हो गई हैं उनका पैसा डाला जाए, लोगों को पैसा मिले। तीसरा वो लोग जिनका के JPC ने रिकमेंडेशन दी थी 30 लाख की पर फैमिली को दिया जाए, तो अभी 5.5 नहीं दे पा रहे हैं, तो 24.5 बैलेंस है वो रिलीज किया जाए, वो भी रिलीज किया जाए। अगली बात है जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन दी जाए, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है वो उनकी पक्की परमानेंट लाट की जाए, परमानेंट लाट भी नहीं है। रोशनी एक्ट के रह जो लोग वो ज़मीन उन्होंने उस पर ली थी वो अगर रोशनी एक्ट ख़त्म हो गया अभी वो उनको धमकाया जा रहा है आप खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो, यहाँ तार लग जाएगी, ये होगा वो होगा, तो उसको भी ये बंद करें ये सिलसिला जी। अगर वो रिफ्यूजी हैं तो उनको ज़मीन देनी है, चाहे रोशनी एक्ट में दो चाहे अलाटमेंट करो, तो उनको ज़मीन जो है अलाटमेंट की है। अगली बार ये मैं कहना चाहता हूँ हम सब मांग रहे हैं रिजर्वेशन, जैसे इन्हें पहाड़ी लोगों को गुजुर्गों को बकरवाड़ों को दिया, हम भी पहाड़ी लोग हैं, हमारा कोई मैदानी इलाका नहीं था लेकिन हमें इन्होंने निकाल दी, तो हमें भी उसमें रखना चाहिए, हमें स्टेटस देना चाहिए शेड्यूल ट्राइब्स का, ताकि अगर सबको फ़ायदा तो इनको ही फायदा होगा, एक तो वो बड़ा है। और फिर जो आज हमें 54-55 साल हो गए अपना इलाका छोड़े हुए, बाहर हमारी ज़मीन है, आज तक उन्होंने उस ज़मीन का दिया ही कुछ नहीं, उसका मुआवजा भी दें हमें, और बच्चों को रिजर्वेशन दें नौकरी में, ये बड़ी बात है कि नौकरी में रिजर्वेशन दें ताकि बच्चों का भी बड़ा हो, बच्चे अनपढ़ रह गए हैं और क्लास फोर के अलावा और उनका कोई साधन नहीं बनता, और कोई 2-4 लड़के निकले में तो उनको भी नौकरी दी, तो ये हमारी मेन डिमांड है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जय हिंद।